किताब खुलते ही सोच के दरीचे खुलते हैं। सफा पलटते पलटते कौमों की काया कब पलट जाए, ये किताबों से मोहब्बत करने वाले खूब जानते हैं। इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, ये मोहब्बत इस इल्म से मोहब्बत है जिसकी शम्मा से शम्मा जलकर तरक्की के उजाले जुल्मत के अंधेरों को दूर करते हैं। शम्मा के नूर की तरह इल्म बांटती ये किताबें लाइब्रेरियों की सूरत में हर यूनिवर्सिटी की जीनत होती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की लाइब्रेरी भी तुलबा को इल्म और हिकमत मुनव्वर करने में जदीद तरीके अपना रही है। तहकीक हो या तालीम, यहाँ तुलबा अपने इल्म की प्यास बुझाने के लिए तमाम वसाइल से इस्तेफादा करते हैं। तो हम काफी देर जब से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है, हम जब भी कोई हमारी असाइनमेंट होती है, हमारा कोई क्विज या कुछ भी होता है, तो हम लोग ये अपनी ACPC की लाइब्रेरी में हम लोग आ जाते हैं। तो वजह ये है कि इधर एक पुरसकून, बहुत पुरसकून माहौल है इधर, ठीक है, ना कोई डिस्टर्बेंस है। इधर स्टाफ भी अवेलेबल है, जो थोड़ा बहुत शोर करते हैं उन्हें भी रोकते हैं। तुलबा का ताल्लुक किसी भी डिसिप्लिन से हो, यहाँ 1800 मजामीन पर मुश्तमिल 40,000 किताबें, 3600 बैन अल-अक़वामी जर्नल्स और हजारों थीसिस दस्तयाब हैं। यही नहीं बल्कि डिजिटल दौर के तकाजों से हम आहंग ई सर्विसेज भी लाइब्रेरी का हिस्सा हैं। हमारे पास सर 575 सीटिंग कैपेसिटी है, रिसर्चर्स के लिए स्टडी कैरल है, जहाँ पे वो सेपरेटली बैठ के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अराउंड द वॉल्स के जितने भी स्टडी कैरल हैं सबके साथ चार्जिंग पेरेंट्स हैं। इसके साथ साथ ब्लू एरिया कंफर्टेबल जोन है, ईजी हो के रिलैक्स हो के, जस्ट लाइक ड्राइंग रूम एटमोसफेयर आप स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्वालिटी के लिए अलग डिस्कशन कैबिन हैं, जहाँ वो स्टूडेंट्स को भी गाइड करते हैं और खुद को भी इन्हांस करते हैं विद लेटेस्ट रिसोर्सेज। किताबें और जदीद टेक्नोलॉजी एक तरफ, यहाँ तुलबा के बैठने के लिए आरामदेह और पुरसकून माहौल भी बैन अल-अक़वामी मयार के ऐन मुताबिक है। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं, बेशक वो मीडिया से रिलेटेड हों या फिर टीवी से रिलेटेड हों। मैं एज अ मीडिया स्टूडेंट, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी पहले बुक्स ढूंढने में, लेकिन जब से मुझे लाइब्रेरी का पता लगा तो काफ़ी मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा यहाँ पे लाइब्रेरी में गुजरता है और मेरी रेलिवेंट बुक्स मुझे मिल जाती हैं, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। लाइब्रेरी का डिजाइन भी डिजिटल दौर और स्मार्टफोन के इस कल्चर में तुलबा को किताब से राबता जोड़ने की तरफ माइल करता है। किताबें ढूंढने और जारी करवाने के अमल को भी डिजिटल टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। डिजिटल दौर में डिजिटल बुक्स की अहमियत से भी इनकार नहीं, इसीलिए डिजिटल लाइब्रेरी का पोर्टल भी तुलबा के लिए किसी नेमत से कम नहीं। जिस तरह हमें पता है कि ये डिजिटलाइज जो है डिजिटल एरा है, तो इस वजह से जो है हमारी जो लाइब्रेरीज हैं, जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज हैं, उनको वक्त के साथ कंपेटिबल बनाने के लिए जो है हमारी जो UCP है, इसने डिजिटलाइज किया अपनी लाइब्रेरी को। ये जो है एक अहम इकदाम है, एक अच्छी इकदाम है, तो इसको हमें सराहना चाहिए। स्टूडेंट के लिए जो है एक एसेट है कि UCP में भी जो है डिजिटल जो है लाइब्रेरी का कयाम अमल में लाया गया है। लाइब्रेरी में आने वाले तुलबा के लिए कवायद और जवाबत पर अमल करना भी लाजिम है, क्योंकि डिसिप्लिन और खामोशी को लाइब्रेरी का दूसरा नाम ही समझा जाता है। लाइब्रेरियां कौमों की तरक्की का राज हैं। पाकिस्तान के बानी कायदीन भी कौम को इल्म की तरफ रागब करते रहे। ये डिसिप्लिन सिर्फ लाइब्रेरी ही नहीं, कौमों की तरक्की का भी राज है। जहां लाइब्रेरियां आबाद हों, वहां तरक्की कदम चूमती है। और वीरान लाइब्रेरियों और किताबों से दूरी कौमों के जवाल का बाइस बन सकती है। किताबें शम्मा की मानित हैं और जहालत और गुर्बत के अंधेरे दूर करने के लिए हर किसी को पाकिस्तान के लिए अपने हिस्से की शम्मा जलाकर इल्म का नूर फैलाना चाहिए, क्योंकि शिकवाए जुल्मत-ए-शब से तो कहीं बेहतर था।
अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते हैं।